हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 9th का चैप्टर दैट इज द कम्युनिकेशन पे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द टर्म्स ऑफ दिस क्लास 9th। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसका जो फिगर है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या है कि इट इज कंटेनिंग अ सेवरल काइंड ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, दैट इज कंटेनिंग सेंडर है, एनकोडिंग चैनल्स और मीडियम एंड रिसीवर, डिकोडिंग एंड द फीडबैक। ठीक है, दिस मेजर सिक्स पॉइंट्स आर टू इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर एंड यू नीड टू जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम विच इज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, एंड दिस इज वेरी कंपल्सरी फॉर एज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? तो आते सबसे पहला पॉइंट हमारे पास सेंडर। तो हु इज अ सेंडर? I am a sender and you are the receiver. ठीक है, so what the sender used to do? Sender काम क्या करता है? Sender actually में जब भी उसे कुछ message करना होता है, उसे कुछ बोलना होता है, कुछ लिखना होता है, तो वो अपने दिमाग में एक ideas उसके generate होते हैं। He used to create the thoughts. ठीक है, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब जो उसके दिमाग में होगा वही ना तो वो पेन डाउन करेगा, वही ना तो वो कॉपी में लिखेगा। क्लियर है? और जो उसके दिमाग में होगा वही वो उसको बोलेगा भी। ठीक है, सो दिस इज नोन एज अ सेंडर। ठीक है, तो ए में आता है आपका सेंडर, कि सेंडर क्या सोच रहा है, क्या उसकी थिंकिंग है, क्या वो मैसेज देना चाहता है। व्हेन ही यूज टू गेट द मैसेज इन हिज और हर माइंड, देन द सेम मैसेज ही और शी इज गोइंग टू राइट इन द कॉपी और इन द लेटर फॉर्मेट। क्लियर है? सेकेंड आता है आपका एनकोडिंग। ठीक है, अब एनकोडिंग क्या होता है? अब सेंडर ने अपने दिमाग में मैसेज सोच तो लिया, लेकिन अब वो एनकोड करेगा, दैट मीन्स टू से इन विच लैंग्वेज ही इज गोइंग टू राइट इट डाउन। ठीक है, वो इंग्लिश हो सकती है, हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती एंड वॉट एवर द लैंग्वेज ही इज नोइंग। क्लियर है? तो उसको जिस भी लैंग्वेज में वो चीज आती है तो वो उसको वो उस चीज में एनकोड कर देगा। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई सामने वाला मेरी बातें ना समझे, तो लोग अगर बंगाली होते तो वो बंगाली में बात करने लगते हैं, या अगर वो तमिल में बात करने लगते, जिससे कि वो जो थर्ड पर्सन है वो उसको डिकोड ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसको वो लैंग्वेज आती ही नहीं है। क्लियर है? तो एनकोडिंग हम लोग करते हैं ताकि वो चीज वो समझ ना पाए सामने वाला। क्लियर है? तो एनकोडिंग में हम लोग कोई भी लैंग्वेज उसमें हम लोग लिख सकते हैं जो हमको आती है और जो हम लोग कन्वे करना चाहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चैनल एंड मीडियम। ठीक है, व्हाट इज द चैनल एंड व्हाट इज द मीडियम? अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां से किसी से दिल्ली बात कर रहा हूँ या अमेरिका बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसके थ्रू बात कर रहा हूँ? वेदर इट कैन बी ऑफ द पोस्टल लेटर, वेदर इट कैन बी ऑफ द टेलीफोन, ठीक है, तो या ईमेल भी मैं कर सकता हूँ, तो दैट इज द मीडियम। क्लियर? कि मैं आपसे बात करूँ तो मेरा मीडियम क्या है बात करने का? दैट इज द सेल फोन। ठीक है, मैं आपको लेटर लिख रहा हूं तो मेरा मीडियम क्या हो गया लिखने का? और दैट इज द पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, या मैं आपको ईमेल भी कर सकता हूं। ठीक है, सो दिस इज द मीडियम। अगर हम लोग कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजोन का क्या रोल प्ले होता है? दैट इज अमेजोन इज अ मीडियम, फ्लिपकार्ट इज अ मीडियम। आप कोई भी चीज अगर डाबर का च्यवनप्राश ऑर्डर कर रहे हैं अमेजोन से, या हाँ अगर अमेजोन से आप डाबर का च्यवनप्राश ऑर्डर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो जो च्यवनप्राश है वो अमेजोन का है। नहीं, अमेजोन क्या है? वो दैट इज अ मीडियम। क्लियर है? तो दैट इज अ मिडिल मैन। क्लियर है? तो जो मीडियम होता है, जो चैनल होता है, उसको हम लोग एक मिडिल मैन ग्रुप में भी मान सकते हैं, इजंट इट? फोर्थ टॉपिक इज द रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? टू होम वी आर सेंडिंग द मैसेज। क्लियर है? टू होम इज टू से कि आई एम सेंडिंग टू माई मदर, टू माई फादर, टू माई ब्रदर। किसको हम लोग भेज रहे हैं? या मैं अपने कॉलेज वालों को भेज रहा हूँ, या मैं अपने स्कूल वालों को भेज रहा हूँ, या मैं अपने बहुत अच्छे फ्रेंड को भेज रहा हूँ। ठीक है, तो मैं किसी को भी भेज सकता हूँ। क्लियर है? तो दैट इज द रिसीवर, कि वो अपना वो लेटर वो रिसीव करेगा, जो मैंने भेजा अब वो रिसीव करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज द डिकोडिंग। रिसीवर ने लेटर रिसीव तो कर लिया, Now he is going to decode that letter, ठीक है? That means to say, मैंने message लिखा, मेरे दिमाग में कुछ आया, I am the sender, ठीक है? फिर मैंने उसको encode किया, मैंने उसको English में लिखा, ठीक है? अब English मैंने वो letter लिखा, अब मैंने वो postal order से वो मैंने उसको post कर दिया, अब receiver को जो मेरा भाई था, मैंने उसको receiver को भेज दिया, तो अब उसने वो letter receive कर लिया। अब वो letter खोलेगा तो उसमें कुछ लिखा होगा ना, तो अगर अब उसको English language आती होगी तब तो वो इंग्लिश का लेटर समझ जाएगा, लेकिन अगर उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती होगी तो वो इंग्लिश लेटर नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो डिकोडिंग इज द मेन प्रोसेस। क्लियर है? हमारे दिमाग में जो था वो मैंने अपने पेपर पे लिख तो दिया, अपने लेटर पे लिख दिया, लेकिन जब सामने वाला डिकोड ही नहीं कर पा रहा है तो उस चीज का फायदा क्या? क्लियर है? तो यहाँ पर डिकोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझ भी रहे हैं कि नहीं।
जैसे आपने देखा होगा ना, जो चाइनीज जो लैंग्वेज होती है, जो जापानीज लैंग्वेज होती है, इज अ काइंड ऑफ आर्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इवन, ठीक है। तो वहां पे वो जो लैंग्वेज होती है वो उनके लिए वो अपनी लैंग्वेज समझ पाएंगे, लेकिन अगर हमें जापानीज नहीं आती तो हम लोग जापानीज कैसे समझेंगे, ठीक है। हमको अगर मान लीजिए कि जर्मन नहीं आती तो हम जर्मन कैसे समझेंगे, तो दैट इज द डिकोडिंग प्रोसेस, ठीक है, हम उसको डिकोड ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, हमें हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, तो अगर आप हिंदी में कुछ भी लिखिएगा तो हम समझ जाइएगा, अगर हम आप इंग्लिश में कुछ भी लिखिएगा तो हम समझ जाइएगा, लेकिन अगर मुझे जर्मन नहीं आती तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इटालियन नहीं आती तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो आपको डिकोड करना है, जी डिकोड कैसे करेंगे, जब आपको वो लैंग्वेज आएगी, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज द फीडबैक, ठीक है, व्हाट इज द फीडबैक यू आर गोइंग टू गिव, ठीक है। अब जब आपने उस लैंग्वेज को डिकोड कर लिया, आपने मेरा लेटर पढ़ लिया इंग्लिश में, अब आपने मेरा लेटर समझ भी लिया इंग्लिश में, अब आप मुझे फीडबैक क्या देने वाले, वापस हम लोग लेटर दोबारा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, क्लियर है। तो अगर कोई सामने वाले सामने से कुछ बोलता है तो हम लोग वापस भी उसको रिप्लाई करते हैं, दैट रिप्लाई इज नोन एज द फीडबैक, क्लियर है। आई होप कि ये पूरा जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो पहला इसमें कौन था, सेंडर, आई एम द सेंडर, एनकोडिंग, ठीक है, लेटर हमने किस में लिख दिया, इंग्लिश में लिख लिया। नेक्स्ट इज द मीडियम, मीडियम क्या था कि मैंने उसको लेटर फॉर्मेट मतलब पोस्ट कर दिया, ठीक है, डाक था, ठीक। नेक्स्ट इज द रिसीवर, मैंने अपने भाई को लेटर लिखा तो मेरा भाई क्या हो गया, वो रिसीवर हो गया। नेक्स्ट इज द डिकोडिंग, ठीक है, अब उसको इंग्लिश लैंग्वेज भी आती थी तो उसने वो मैसेज उसने पढ़ लिया, उसने समझ भी लिया कि जो मैंने लिखा है वो उसने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द फीडबैक, ठीक है, फीडबैक मीन्स इज कि अब जो उसने जो फीडबैक किया हुआ है अब उसके दिमाग में कुछ आएगा, तो जब वापस से वो मुझको लिखेगा, वापस से वो ही विल रिटर्न इट टू मी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फीडबैक, क्लियर है। आई जैसे कि आप लोग बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं, अमेजोन हो गया, ओला वगैरह हो गया, तो ये लोग भी लास्ट में एक फीडबैक मांगते हैं ना कि सर आप कितने स्टार्स देना चाहेंगे या क्या आप फीडबैक लिखना चाहेंगे, तो दैट इज नोन एज एग्जैक्टली फीडबैक, क्लियर है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू फील इन डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड मेरे इस चैनल पे एक आपके पास एक फोटो आई होगी स्टार्टिंग में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा कि आई एम जस्ट रनिंग द फ्री क्लासेस फॉर यू, फाइनेंस एग्जामिनेशन, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री लाइव क्लासेस, एंड इफ यू वांट टू जॉइन इट फॉर फ्री देन प्लीज लेट मी नो, एंड फ्रॉम द 26th ऑफ जनवरी वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल द सेशंस ऑफ द क्लास 9, 10th, 11th, 12th, क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो, ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच, एंड हाँ क्लास को ज्वाइन जरूर करिए, ठीक है, बाय बाय।